हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचसीएस अधिकारियों के संग बैठक की है। आपको बता दें, मनोहर लाल लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक अहम बैठक की गई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बैठक सहित किसान आंदोलन और अन्य मसलों पर प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आज 47 एचसीएस जो 2020 के बैच के थे वो सब आए थे और सबसे परिचय हुआ। बहुत अच्छा बैच ये है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, और जिसको हमने मिशन मेरिट के साथ मैं जोड़ करके अगर इसको देखता हूँ तो वास्तव में ही एक अच्छे बैच की भर्ती हुई है और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस अपने क्षेत्र के वो सब बताए हैं, अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। उन सुझाव के हिसाब से जो भी अच्छे सुझाव हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और हमने भी अपनी अपेक्षाएं उनको बताई हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के नाते से पद के हिसाब से अपने आप को ना आके बल्कि काम के हिसाब से आके, काम जिसको जो फील्ड का मिलता है उस काम में उनको तत्पर रहना चाहिए और एक अच्छा एक वातावरण बैठक आ रहा, उस नाते से ये बैठक आज परिचयात्मक बैठक हुई है। देखिए, उनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं उनके इंटरनल मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। वो उनका मामला, जैसा वो करेंगे आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से ओछी हरकतें कर रही है और खास करके जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने और किसानों को उकसा करके जो भाषा बोली है वो निंदनीय है, उसी के विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन किए हैं, पहले भी किया था, आज उनके कार्यालयों पर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई भी गलत काम होता है उसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना, और कांग्रेस पार्टी को भी ये चेतावनी देना कि इस प्रकार के काम यदि वो करेंगे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे लोगों ने उनके कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के लोगों ने जो भी 47 लोगों की एक लिस्ट थी, उनकी ऑथराइज लिस्ट है, उन सब 47 लोगों को नोटिस भेजा है। उसमें से मीटिंग में कितने लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं, ये कल पता लगेगा, लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनसे इस विषय पर बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता जो इंटरस्टेट जो इस प्रकार के रास्ते बंद किए हुए उनको खोलने के लिए जो कहा है, इसमें हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो प्रदेश सरकारों की बनती है और चाहे केंद्र सरकार की बनती है, या किसान संगठनों के कारण से जो रास्ते बंद हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है और उस जिम्मेवारी को वो निभाएं, इसलिए कल की मीटिंग है। मीटिंग में क्या निर्णय होता है वो कल पता लगेगा। जैसे हमने ये 2 साल जल प्रबंधन योजना के रखे हैं कि द्विवार्षिक कार्यक्रम ये है, उसमें आज एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रियल टाइम जो डिटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो बनेगा और उसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ से कितना पानी निकला और कहाँ कितना पानी पहुँचा, बीच में चोरी कितनी हुई, ताकि उसका हम प्रबंधन कर सकें उन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका प्रबंधन ही उचित हो जाए तो सबकी आवश्यकताएँ पूर्ति होंगी। और इस विषय को गंभीरता से लेकर के मोनिका शौकंद जो हमारी इंडिया मिस इंडिया हैं, तो मिस इंडिया ने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, उनको हमने एम्बेसडर बनाया है और एक एम्बेसडर के नाते से इस विषय के प्रचार में वो पूरा